गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड देयर प्रिजर्वेशन। क्योंकि बहुत ये देखता है कि फलों सब्जियों को कटाई उपरांत, हार्वेस्टिंग उपरांत कैसे आप रखें, क्योंकि ये बहुत ही पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती है। तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा हूँ। द स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन सेम Obviously, you will be benefited by this lecture and other students will also be benefited by this lecture. So, what is post-harvest management? Importance and scope of post-harvest management of fruits and vegetables. कटाई उपरांत फलों एवं सब्जियों के रख रखाव का महत्व तथा उनका संरक्षण preservation. What is post हार्वेस्ट मैनेजमेंट? पोस्ट हार्वेस्ट मीन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आर प्रोसेस परफॉर्म आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्रोड्यूज इंक्लूडिंग कूलिंग क्लीनिंग सॉर्टिंग एंड पैकिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कटाई उपरांत जितने भी एक्टिविटीज की जाती हैं फलों एवं सब्जियों में, तो जैसे कि कूलिंग, उनको ठंडा करना, साफ करना तथा उनकी छटाई करना तथा पैकिंग करना, ये सब तकनीक जो है ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो द स्टैंड उदाहरण के लिए, ए क्रॉप इज रिमूव फ्रॉम द ग्राउंड आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट। जैसे कि एक फसल जो है ज़मीन से अलग की जाती है या अपने मातृ पौधे से अलग की जाती है, इट बिगिंस डिटेरियोरेट, ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो देयरफॉर पोस्ट हार्वेस्ट मेंट्स आर गिवन टू इनक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किया क्या है, उनको ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं कि उनकी जो ताजगी है, सेल्फ लाइफ है, वो बनी रहे एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी तथा इसकी गुणवत्ता ना प्रभावित हो। तो जितने भी तक क्रियाएँ की जाती हैं उनका हार्वेस्टिंग करने के बाद उन मेन उद्देश्य रहता है टू मेंटेन इट्स सेल्फ लाइफ एंड क्वालिटी, उसकी ताजगी तथा गुणवत्ता मेंटेन रहे। क्योंकि ताजगी और अगर गुणवत्ता खराब हो जाती है तो निश्चित रूप से फल और सब्जियों की कीमत अच्छी बाजार में नहीं मिलेगी। दस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लार्जली डिटरमाइंस फाइनल क्वालिटी। इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है रखरखाव, वो अंतिम गुणवत्ता को डिसाइड करता है फलों तथा सब्जियों। इन शॉर्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज व्हिच आर गिवन टू प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। संक्षेप में यदि आप कहें तो जितनी भी क्रियाएं कटाई उपरांत फल एवं सब्जियों में की जाती हैं उन्हें हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, जब तक कि ये उपभोक्ता के हाथों में नहीं पहुंच जाता। जितनी भी क्रियाएं उसकी ताजगी तथा क्वालिटी गुणवत्ता मेंटेन रखने के लिए प्रोड्यूस में की जाती हैं, जैसे कूलिंग सॉर्टिंग एंड पैकिंग, दीज आर द कम अंडर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। वेरियस अथॉरिटीज हैव एस्टिमेटेड दैट 20-30% ऑफ फ्रेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस लॉस आफ्टर हार्वेस्ट। बहुत सी जो अथॉरिटीज हैं, संगठनों ने ऐसा अनुमान लगाया कि 20-30% जितने भी हॉर्टिकल्चर उद्यानी फसलें हैं वो कटाई उपरांत लॉस हो जाती है, नुकसान हो जाता है एंड इज्यूम कंसिडरेबल इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पॉर्टेंस, जो कि बहुत ही आर्थिक तथा समाज के लिए महत्व का विषय है। टुडे दैट इज व्हाई, इसलिए दीज पेरिसेबल कमोडिटीज नीड वेरी केयरफुल हैंडलिंग। इसलिए ये जो ख़राब होने वाले वस्तुएं हैं, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रखरखाव करना चाहिए एट एवरी स्टेज, प्रत्येक स्तर पे, सो दैट डिटेरियोरेशन ऑफ प्रोड्यूस इज रिस्ट्रिक्टेड, जिससे उसकी ख़राब होने की गतिविधि को रोका जा सके एज मच एज पॉसिबल, जैसा कि अधिक से अधिक समय ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन हार्वेस्ट एंड कंजम्पशन, जबकि तुड़ाई और उनके उपयोग करने के बीच का जो समय है उसमें जितना हो सके हमको ऐसे ट्रीटमेंट देना है कि उसकी क्वालिटी तथा सेल्फ लाइफ मेंटेन रहे, ये मेन उद्देश्य है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द टॉपर कंट्रीज लाइक इंडिया। जो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, कटाई उपरांत फलों तथा सब्जियों का नुकसान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, विशेष करके ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे इंडिया है जो गर्म
देश है, जैसे हमारा भारत देश, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। अटेंशन टू द कंसेप्ट ऑफ फूड हार्वेस्ट, फूड लॉस रिडक्शन एज ए सिग्निफिकेंट मीन्स टू इंक्रीज फूड अवेलेबिलिटी वॉज डन बाई द वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रोम इन 1975। इसके ऊपर ध्यान दिया गया इस विचार के ऊपर कि जो हार्वेस्टिंग है फूड की, उसका लॉस रिडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये फूड अवेलेबिलिटी, खाद्य की उपलब्धता को मेंटेन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुई थी इन रोम में 1974 में, और यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान दिया गया। हॉर्टिकल्चर प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूट 30% ऑफ GDP फ्राम 11.73% ऑफ इस अराइवल लैंड एरिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हॉर्टिकल्चर जो है, उद्यान जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय कृषि में इसका रोल है। और करीब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 30% हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आता है, 11.73 अराइवल लैंड से। जितने भी खेती होती है इसके हॉर्टिकल्चर फसलों से, उससे 30% की जो आय है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो शेयर है हॉर्टिकल्चर का। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा भारत देश जो है विश्व में द्वितीय नंबर पर है, जहाँ पे फ्रूट तथा सब्जियों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। करीब 52.85 मीट्रिक टन फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, 108.20 मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल का। बट एवरेज इंडियन डू नॉट गेट बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रत्येक भारतीय जो है, जो जितना रिक्वायरमेंट है फलों तथा सब्जी, उतना नहीं प्राप्त करता। क्यों? बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर पोस्ट ऑपरेशंस। क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी फलों एवं सब्जियों का उत्पादन होता है, उनमें से काफ़ी हद तक सही तकनीक न होने के कारण, उनकी हैंडलिंग न होने के कारण ख़राब हो जाता है। और देयरफॉर देयर इज ए कंसिडरेबल गैप बिटवीन ग्रास प्रोडक्शन एबिलिटी, जितना प्रोडक्शन होता है उसमें और नेट एबिलिटी में बहुत सा गैप हो जाता है, बहुत कम एबिलिटी हो जाती है। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त ओनली स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूटिलाइज फॉर प्रिजर्वेशन, संरक्षण के लिए बहुत ही कम मात्रा में फ्रूट्स तथा वेजिटेबल का प्रयोग होता है, लगभग 1%। एंड एक्सपोर्ट फ्रूट्स तथा निर्यात में फलों का 0.5% तथा वेजिटेबल का 1.7% कंपेयर टू हुज पोजिशन इज मच बिलो दैन द इंडिया प्रोडक्शन लेवल। ऐसे कंट्रीज जिसकी कोई गिनती नहीं है प्रोडक्शन में, उनकी अपेक्षा भी भारत का जो निर्यात में है फलों तथा सब्जियों का बहुत के कम है। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, ये बहुत ही खेद का विषय है, दैट इंस्पाइट ऑफ बिगनिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट, यू आर वन ऑफ द टेल इंडर्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत ही खेद का विषय है कि हम इतने बड़े पैमाने पे हॉर्टिकल्चर फसलों का उत्पादन कर पाते हैं, लेकिन जब हम विश्व के निगाह में देखते हैं तो हम बहुत ही पीछे हैं ह्यूमन इंडेक्स में। तो देयरफॉर वी शुड हैव टू प्रमोट द हैंडलिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। द कास्ट ऑफ प्रिवेंटिंग लॉसेस आफ्टर हार्वेस्ट इन जनरल इज लेस देन द प्रोडक्शन ए सिमिलर ट्रेडिशनल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स। अगर हम ऐसे एक्टिविटीज़ अप्लीकेबल करें जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उपयुक्त हों और सही तरीके से उनके हैंडल करें, तो उतना जितना अमाउंट लॉस होता है फलों सब्जियों का, उतना एक्स्ट्रा हमें प्रोड्यूस करने से कम पैसा लगाने पड़ेगा हैंडलिंग में। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे उनका रख रखाव किया जाए। अगर हम रख रखाव सही से करते हैं तो जितना लॉस होता है उतना फल तथा सब्जियों पर उनसे बहुत कम में हमें उतना अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। कोर्सी ने ये अनुमान लगाया था, देयरफॉर इसलिए टू अचीव टारगेट ऑफ फीडिंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन एज वेल एज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्टेड ओनली इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विल नॉट बी एनफ। इसलिए जो
ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, तथा एक्सपोर्ट तथा प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है उनकी डिमांड के लिए हमें केवल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे न ध्यान दे करके वी हैव टू आल्सो गिव अटेंशन टू द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट अलॉट मोर एम्फेसिस नीड्स टू बी गिवन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ दीज हाई न्यूट्रिटिव कंटेंट टेंडर एंड पेरिसेबल प्रोडक्ट्स। इसलिए हमको इसमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कैसे फलों तथा सब्जियों का रख रखाव करें। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।